जय श्री राम, गणपति बप्पा मोरिया। माघी गणेश चतुर्थी की आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी की कृपा आप सभी के जीवन में दिन रात बरसती रहे। ये जो माघ महीने की गणेश चतुर्थी है, गणेश जन्मोत्सव इस दिन माना गया है। इस दिन भगवान श्री गजानन जी के जन्मोत्सव की कथा हम लोगों को अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। और भी हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में गणेश जी की पार्थिव मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति लाते थे, ये और दूसरा वो वाला यूपी वाला नहीं लाना चाहिए, उसी प्रकार से साउथ में विशेष करके लोग हमारे महाराष्ट्र में लेकर के आते हैं। उनकी स्थापना, पूजन इत्यादि एक दिन की, तीन दिन की, पाँच दिन की करके और बाद में विसर्जन करते हैं। अगर हम मुहूर्त देखते हैं तो वैसे तो कभी भी गणेश जी की पूजा हम कर सकते हैं, जिससे हमें सुविधा हो, हमारी व्यवस्था हो। पर उसमें भी अगर आप विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो प्रातः 7:15 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक, दोपहर के समय में 11:15 बजे से लेकर लगभग 1:30 बजे तक, संध्या वेला में पुनः 7:00 बजे से लेकर 9:00 बजे के मध्य में उनकी स्थापना करके पूजा करनी चाहिए और साथ में व्रत रहना चाहिए। अगर हम ऐसी स्थापना पूजन नहीं कर पाते हैं तो हम व्रत रह करके जो हमारे घर के ही गणेश जी महाराज हैं उनको स्नान करा के, पंचामृत से स्नान इत्यादि करा के, अभिषेक इत्यादि करके और 11, 21, 108 या 1100 जो है दूरबा, कम से कम जो सबसे सस्ता आता है जिसको बोलते हैं हम, एक ऐसे दूरबा लिया, डलिया और हम गंग गणपत नमः ऐसा करके 11, 21, 108 अथवा 1011 उनको अर्पण कर दिया, अथवा धान का लावा अथवा मोदक जिसको बोलते हैं वो अर्पण कर दिया। ये सब भी कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम पूरा दिन मिला करके 11000 ओम गंग गणपत नमः गणेश मंत्र का जाप कर लिया। स्वयं गणेश मंत्र का जाप कैसे करें इस लिंक को टच करके आप जान सकते हैं। और गणेश जी की स्वयं जो घर की मूर्ति उनका विधिवत पूजन करना चाहते हैं जो बहुत ही आनंदनीय और कल्याणकारी होगा, इस लिंक को टच करके आप जान सकते हैं। और पूजन करने के पश्चात में गणेश जी के जन्म की कथा हमें पढ़नी अथवा अवश्य रूप से सुननी चाहिए। और अगर हम ये सब भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम लहसुन प्याज और भी जो अनावश्यक चीज़ें लोग खाते पीते थे वो हमें बिल्कुल नहीं खाना पीना चाहिए, पवित्रता से रहना चाहिए और गणेश जी की कृपा प्राप्त करके जीवन में हर प्रकार की खुशियां लोग प्राप्त करते हैं, हम आप भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बड़ा ही अच्छा अवसर है, इसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। और बोलो श्री गजानन गणेश भगवान की जय। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूँगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।